तो गाइस ये जंगली कबूतर का बच्चा है, ये निकल कर आ गया शायद अपने घोंसले में से, और या तो इसको बिल्ली खा जाएगी या फिर जो है ये ऐसे ही मर जाएगा। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर भाई सरपंच आ चुके हैं, हमारे मोहल्ले किसान आ चुके हैं, ये हमारे मोहल्ले के एक जादूगर का सितारा है, ये सबके साथ लगे रहते हैं और हमारे यहाँ पर इनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी रहती है, यानी कि हमारा सुभाष नगर। तो ये जो अंडा है गाइस, ये दिया है हमारी उस टर्की मुर्गी ने अंडा। तो ये है अंडा गिनी फॉल का, सेम ऐसा जिस तरीके से कबूतर अंडा देते हैं ना, इतना बड़ा अंडा नहीं है, छोटा सा अंडा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं एनकेलो बर्ड्स। एनकेलो बर्ड्स में गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई साहब आज मौसम इतना जबरदस्त हुआ है, इतना जबरदस्त मौसम आज हुआ है, पूरी रात बारिश हुई, मौसम बहुत ठंडा है, बादल ही बादल आज दिखाई दे रही है। तो भाई सुबह के अभी बजे हैं 8:30, मैं जा रहा हूँ मिनी जू में, मिनी जू में जाकर देखते हैं हमारे परिंदे क्या कर रहे हैं। कल हमारे मिनी जू में कुछ काम हुआ था, जो हमारा मास्टर रूम है, मास्टर रूम के अंदर हमने फर्श कराया, क्योंकि गाइस मास्टर रूम को हम अलग से अब पूरा तैयार करने वाले हैं। हमारा जो सेटअप होगा वो होगा मास्टर रूम, जिसके अंदर हम अपने जो खुले पंछी होते हैं जैसे कि तोते, बजी तोते, चिड़िया, और यानी कि जो उड़ने वाले परिंदे हैं ना, वो रखेंगे हम अपने मास्टर रूम के अंदर। मास्टर रूम से हम अपने जो मुर्गी हैं उन सबको निकाल देंगे, उनका कैबिन हम अलग से बनाएंगे उनका रहने का, तो वो भी जल्दी बन जाएगा गाइस। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम मिनी जू में, जाकर देखते हैं हमारे परिंदे, हमारे जो जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको दाना पानी करते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस मिनी जू में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मिनी जू में और सुबह के बजे हैं 8। अगर आप देखेंगे अभी मिनी जू का नज़ारा, देखिए गाइस कितना प्यारा अभी यहाँ पर मिनी जू हमारा हो रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर भाई हरियाली अब होना स्टार्ट हो चुकी है। और आज का जो मौसम है ना गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर हुई है बारिश, और अगर आप देखेंगे गाइस बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, यानी बारिश अभी भी हो सकती है। आप देखिए चारों तरफ बादल ही बादल है और बारिश यहाँ पर दिन में आज आ सकती है। हमारे सारे परिंदे खुले हुए हैं, हमने अपने परिंदों को यहाँ पर दाना डाल दिया। देखिए टर्की मुर्गी हमारी दाना चुग रही है, टर्की मुर्गा हमारा दाना चुग रहा है, ठीक है। और वो जो मुर्गी है हमारी वहाँ पर घूम रही है, हमारी जो भाई साहब ये गिनी फॉल है, इन्होंने हमें दे दिया है धोखा। अब इन्होंने हमें धोखा क्यों दिया है गाइस, जब ये आई थी ना उस वक्त तो इसने अंडा दिया, लेकिन भाई उसके बाद इन्होंने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया है, और इनसे हो चुके हैं हमारे पड़ोसी परेशान, क्योंकि भाई सुबह सुबह ही इतना चिल्लाती है, बिना अलार्म के पड़ोसियों को उठा देती है। और इनकी आवाज़ अगर आप सुन लोगे ना भाई साहब, तो आप बोलोगे यार क्या आवाज़ है इनकी, बहुत ही कड़क आवाज़ होती है इनकी, बहुत ही कड़क आवाज़ होती है। और हमारा जो मुर्गा है भाई सुबह 8 बजे अजान दे रहा है। हमने यहाँ पर जो है अपने जो कबूतर है, देखिए गाइस वहाँ पर सामने कबूतर का जोड़ा बैठा है, ये भी अंडा देने के लिए रेडी है। और आज हमारा ये जो काम है इसका ये कम्प्लीट हो सकता है, जो हम यहाँ पर फ्रेम बनाने वाले हैं अपने, उनका काम यहाँ पर कम्प्लीट हो सकता है आज, मौसम अगर खुला तो। और भाई देखिए यहाँ पर कबूतर हमारे यहाँ पर दाना चुगने के बाद मस्त तरीके से घूम रही हैं। देखिए हमारी खरगोशनी भी यहाँ पर फिर रही है, ठीक है, इसने अपना जोड़ा नहीं बनाया, जो हम खरगोश हमारे पास पहले था उसके साथ में, तो इसलिए हमें अपने खरगोश को वापस करना पड़ा, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे, और आपस में लड़ने के बाद में गाइस ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा चोट मारे, तो हमने जो है मजबूरी में अपना जो एक खरगोश था हमारे पास स्टार्टिंग में आया था और एक छोटा बच्चा था, हमने उसको हमें किसी और को देना पड़ा। एक बच्चा था कि भाई वो बोल रहा था कि भाई मुझे खरगोश दे, तो मैंने उनको दे दिया कि भाई आप रख लो कोई बात नहीं, आपको ये अच्छा लगेगा। हमारा जो ये शहनशाह मुर्गा है, ये भाई साहब अभी थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा है, हालांकि इसकी जोड़े की मुर्गी हमारे पास है ये, तो ये जो मुर्गा है गाइज अभी फिलहाल इसका पार्टनर बन चुकी है वो वाली मुर्गी हमारी, तितली मुर्गी, और इसको हमने कल दवाई दी थी गाइज, आज ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सी इसको हल्का सा असर था इसके अंदर भी कड़कनाथ का, क्योंकि कड़कनाथ को हमने सबको वापस कर दिया गाइज, आपको पता है कड़कनाथ वापस करने का रीज़न आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनकी वजह से और भी हमारे बच्चे बीमार हो गए थे, तो हमने सारे कड़कनाथ के बच्चों को वापस कर दिया, ताकि हमारा ये जो मुर्गा है, ये मुर्गी हमारी बीमार ना हो जाए। और भाई हमारी देखिए जो हमारी मुर्गी है ना, ये इसने कल अंडा नहीं दिया था और अभी देखो बोलना स्टार्ट हो गई है, यानी ये आज अंडा देने वाली है, तो मैं फिलहाल इसका इंतज़ाम करता हूँ अंडे का। तो गाइस अभी यार धूप निकल चुकी है, मौसम तो बहुत ठंडा था, हल्की हल्की ठंड है अभी भी, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, हल्की धूप है तो फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्या पता दिन में कितनी गर्मी हो जाए। तो गाइस हमारा जो शाहरुख है ना, उसने आज फिर हमें परेशान किया, देखो गाइस शाहरुख भाई नहीं आए यहाँ पर, फाउंटेन का काम अधूरे में छोड़ रखा है, ये देखो आप फाउंटेन का काम अधूरे में छोड़ कर भाई वो चला गया, आज भी नहीं आया, बहाने लगा दिया कि भाई बारिश हो रही है, और कल बहाने लगाया था कि भाई अभी मास्टर रूम के अंदर काम चल रहा है। तो भाई साहब शाहरुख भाई ऐसा मत करो यार, काम कर दो भाई हमारा, हम तो हर एक वीडियो में आपको ले रहे हैं, और मुर्गी ये पार्टनर बन चुके हैं दोनों के दोनों, तो ये अभी दोनों खुश है गाइस, जल्दी हम इनके लिए एक दो मुर्गी और लेकर आएंगे अंडे देने वाली।
ताकि वो मुर्गी हमारे मिनी जू के अंदर अंडे दे सके। अभी फिलहाल हमारे जो मिनी जू है इसके अंदर गिनी फॉल अंडे दे रही थी और जो है वो टर्की मुर्गी अंडे दे रही थी। कबूतरों ने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी तक इनका सेटअप नहीं हुआ है। इनका सेटअप जैसे होगा ये अंडे देना स्टार्ट कर देगी गाइज। तो देखो गाइज हमारे जो बजी तोते हैं ना देखो कितने खुश हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि सुबह का मौसम है ना तो सुबह की सुबह सुबह जो होते हैं ना बजी तोते बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और ये पूरे मस्त होते हैं। देखो हमने इनको दाना डाल दिया, दाना डालने के बाद में खा पी के मस्त तरीके से भाई ऊपर बैठे पूरा मस्ती से अपनी मस्ती कर रही है। और भाई साहब आपको क्या हुआ है, ये हमारे मिट्ठू जो है भाई नीचे दाल, ठीक है हमने इनके लिए उबली हुई दाल ला रखी है, ये उबली हुई दाल खाते हैं ठीक है, और मैंने इनको तरबूज भी रखा हुआ है, तरबूज भी खा लेते हैं। तो ये जो है भाई अपना मस्त तरीके से भाई अपना दाल खा रहे हैं और जो है ये बैठते हैं। देखो कैसे गुस्सा आ रहा है भाई, ये तोती है इसको कैसे गुस्सा आ रहा है, ये पता नहीं इसमें तोता तोती कौन से हैं भाई। देखो ये ना दाल खा रहे हैं बहुत अच्छे से, पानी में रखा हुआ है। आज इतनी प्यास इनको नहीं लग रही क्योंकि मौसम जो है ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस जो हमारी टर्की मुर्गी है ये अंडा देने वाली है और इसका अंडा देने का इंतजाम हम कर रहे हैं इस कॉर्नर में। यहाँ पर हमने चारों तरफ ईंट लगा दी है, ईंट लगाने के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं भूस, ताकि भूस से जो है ना यहाँ पर आसानी से बैठ जाए और यहाँ पर ये अंडा दे सके। और गाइस देखो जैसे ही हमने वहाँ पर जगह बनाई सारे मुर्गे मुर्गी वहीं पर जा चुके हैं देखो आप। तो फाइनली गाइस हमारी जो टर्की मुर्गी है उसने भी अंडा दे दिया, देखिए यहाँ पर टर्की मुर्गी ने अंडा दे रखा और भाई पक्के पे अंडा दिया है, ये अंडा फूट ना गया हो भाई। ये रहा अंडा, टर्की मुर्गी ने जो है ये अंडा दे दिया भाई और ये फूटा ना हो भाई, खैर सही है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अंडा है गाइस ये दिया है हमारी उस टर्की मुर्गी ने अंडा, और भाई ये टर्की मुर्गा है, ये हमारी तितली मुर्गी है और ये हमारा मुर्गा है। तो भाई जल्दी हमारी ये तितली मुर्गी भी अंडा देना स्टार्ट कर देगी गाइस क्योंकि ये इसकी पार्टनर बन चुकी है। और हमने ना इसका इंतज़ाम किया था वहाँ पे कॉर्नर में, लेकिन भाई वहाँ पर इसने अंडा नहीं दिया, अंडा इसने दिया भाई यहाँ पर। तो गाइस जब से हमने अपना ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ना हमारे पास ब्लॉगर बहुत ज़्यादा आ गए, लेकर किस तरीके से देखो ये आ चुके हैं हमारे भाई सर, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पर भाई सर आ चुके हैं, ये हमारे मोहल्ले के एक जादूगर का सितारा है, ये सबके साथ लगे रहते हैं और हमारे यहाँ पर इनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी रहती है, यानी कि हमारा सुभाष नगर, हमारे सुभाष नगर की शान आ चुके। और ये भाई गुलशेर हमारे यहाँ के ठेकेदार आ चुके हैं, ये देखो सारा काम जो हो चुका है ये हमारे भाई गुलशेर और भाई ने हमारे भाई सर। दरअसल गाइस क्या हुआ था, इसका इलाज चल रहा था पागलखाने में और जो है इसको अभी हम 20-25 दिन पहले लेकर आए, इसका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ, पहले भाग आए और भाई आज ने इसने कैमरा उठा लिया क्योंकि पहले ना ये दरअसल शादी की वीडियो बनाता था, टेस्टिंग के लिए लेकर कैमरा पकड़ने की आदत थी, अब देखो इसको कैसे पागलपन है काम का भाई, गोप्रो ना तोड़ दे इसको पकड़ लियो यार। गुलशेर मैंने तो मना कर रखा भाई, मैंने गुलशेर भाई गुलशेर मैंने मना कर रखा इसको मत दिया अगर कैमरा, दे दे। और देखो यहाँ पे जो है ना शाहरुख आज जो है फंसा पड़ा है भाई साहब, नू सोच रहा है कैसे बस चला जाऊं बस मैं भाग जाऊं बस मैं कैसे भी निकल जाऊं यहां से, लेकिन यार भाई साहब हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें जो आपने इतना काम कर दिया आज। दरअसल इसकी एक बहुत दुख भरी दास्तान है गाइस, इसकी शादी हुई थी सहारनपुर में और सहारनपुर वालों का जो थोड़ा सा भाई साहब बस मैं बता नहीं सकता आपको, शादी होने के बाद ना फिर ये जो है परेशान, काम करना बंद, सहारनपुर लेने की कोशिश ज़्यादा कर रही है इसको और ये भाई साहब जो है बस मना कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है जाएगा जिस दिन से शादी हुई काम तो नहीं करा इसने, जिस दिन से इस बंदे ने शादी की ना लगाया पहला काम है हमारा जो आज ये कर रहा है, और इसमें भी भाई इसने 5 दिन लगा दिए इतना काम करने में, लेकिन भाई चलो मेहरबानी आपकी कर तो रहे हो कम से कम। शाहरुख भाई सहारनपुर कब जा रहे हो, बस एक दो दिन में सहारनपुर जा रहे हैं क्योंकि छोड़कर चली गई लड़के कि भाई सहारनपुर चलो मेरे साथ, और ये मना कर रहा है इसके घर के, इसको नाटे की वहां नहीं जाना, लेकिन भाई इसको ले जाना चाह रही, देखते हैं क्या होता है आने वाली वीडियो में, शाहरुख गए कहां भाई। तो गाइस अभी हमारे पास आ चुके हैं शहजाद भाई, शहजाद भाई जो है अभी यहाँ पर करने वाले हैं हमारा जो ये कबूतर का इंतज़ाम, कल से बुला रहे थे आज आया भाई साहब, कंप्लीट हो जाएगा आज हो जाएगा कह रहा हो जाएगा।
हमारे जो कबूतर है ना, कबूतर के अंदर हम खाने बनाने वाले, मैं बता रहा था आपको कबूतर की जो यहाँ पर जगह है इसके अंदर हम पूरे में खाने बनाएंगे और कबूतर इसके अंदर आराम से फिर बैठ सकेंगे, अंडे दे सकेंगे। तो फिलहाल गाइस अभी शहजाद भाई कर रहे हैं इसका काम, तो शहजाद भाई को करने दो, दिखाता हूँ आपको कैसे काम करते हैं। तो भाई साहब हमारे जो कबूतरों के खाने आए, VIP खाने बन रहे भाई साहब कबूतरों के लिए। अभी देखो हम कबूतरों को हल्के मिल ले रहे, शहजाद कबूतरों को हल्के मिल ले रहे भाई। गाइस मैं अभी ना अपनी छत पे हूँ और एक कबूतर सामने मुझे दिखाई दे रहा है, सामने एक कबूतर बैठा है। ये पता नहीं यार बच्चा है या पूरा है, ये कैसा बच्चा है? ये मुझे लग रहा है यार छोटा बच्चा है, और ये भाई इसको ना कुछ खा लेगा भाई। तो मैं ना इसको अभी यहाँ पे उड़न जा रहा भाई, इससे इसको पकड़ लेता हूँ। अरे रुक 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 रुक। तो गाइस ये जंगली कबूतर का बच्चा है, ये निकल कर आ गया शायद अपने घोंसले में से, और या तो इसको बिल्ली खा जाएगी या फिर जो है ये ऐसे ही मर जाएगा। तो इसको तो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले भाई, क्योंकि ये बच्चा है। और हमारे पास है मिनी जू, तो हम इसको अभी अपने मिनी जू में रखेंगे, वहाँ पर इसको दाना खिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा गाइस। तो फिलहाल ना मैं इसको अपने मिनी जू में जाकर छोड़ देता हूँ और वहाँ पर जाकर ये ठीक रहेगा भाई। ऊपर है ना यहाँ पे कबूतर बैठते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कबूतर जो है ये वहाँ का हो? यार ये नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता ये वहाँ का या यहाँ का है। लेकिन भाई फिलहाल ना इसको अपने कबूतर में छोड़ देते हैं जाके, अगर वहाँ पर रहेगा ठीक है, नहीं तो फिर इसमें रखने की कोशिश करेंगे। कबूतर बाकी यार बहुत अच्छा है भाई, अगर हमने इस कबूतर को अपने कबूतर के साथ छोड़ा ना तो वो शायद इसको मार दे। तो फिलहाल मैं ना इसको पिंजरे में रख लेता हूँ, वाला उधर परले वाला है, इस पिंजरे के अंदर छोड़ देता हूँ है ना, और जब ये बड़ा हो जाएगा भाई तब इसको हम जो है आज़ाद कर देंगे, क्योंकि भाई ये जो आज़ाद कबूतर होते हैं हम इनको नहीं रख सकते। तो फिलहाल मैं रख रहा हूँ यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर, क्योंकि मैंने अगर इसको रखा बड़े हमारे जो कबूतरों के पिंजरे हैं उसके अंदर रखा तो भाई शायद इसको भी मार दे या फिर रख के छोड़ दे, एक बार देखे एक बार। नहीं देना, ये भी एक दिन तो फिलहाल तो हमने रख दिया इसको अपने इस पिंजरे के अंदर। गाइस ये जो कबूतर है भाई ये डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चा है, तो इसको भाई दाना डाल दे। वो तो आहिल ने देख लिया छत पे कि वो बोला कि भाई अब मुझे ऊपर जो है कबूतर का बच्चा पड़ा है, इसको या तो बिल्ली खा जाती भाई या फिर इसको कुत्ते खा जाते, क्योंकि ये तो छत पे रुक गया चला जाता ना, तो भाई इसको कन्फर्म जो है कोई ना कोई जानवर जरूर खा लेता। तो अच्छी बात है कि हमें मिल गया, और गाइस जैसे ही ये उड़ना स्टार्ट कर देगा, ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको आज़ाद कर देंगे, क्योंकि गाइस आज़ाद जो परिंदा है उसको नहीं रख सकते अपने पास में, तो इसको भी हम आज़ाद कर देंगे जब ये बड़ा हो जाएगा। वे कबूतरों ने अलग से बना रखा है, मैं वहाँ पर भी इसको छोड़ सकता था, लेकिन भाई कन्फर्म नहीं था कि ये बच्चा उन्हीं का था या किसी और का था, अगर उनका ना होता तो फिर वो भी इसको मारते। तो फिलहाल मैंने इसको इस पिंजरे में रख लिया है, 10-5 दिन 20 दिन इसको आराम से रखेंगे और उसके बाद हम इसको बाद में आज़ाद कर देंगे। तो ये आज़ाद पक्षी है, इसका हक है आज़ादी से रहना। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा है, इसको हम दाना करते हैं और इसको जो है पानी देते हैं थोड़ा, ताकि ये खुश हो जाए। तो गाइस हमारे जो कबूतरों के खाने तकरीबन बनकर कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारे जो गुलशेर भाई हैं वो देखो क्या कर रहे हैं, ये कबूतरों की जो जगह है उनकी सफाई कर रहे हैं, यानी कि भाई बीट साफ कर रहे हैं। और जो है ये तो करना पड़ेगा यार भैया, चैनल ही ऐसा बनाया है, करना पड़ेगा गुलशेर भाई, अब ये तो चलेगा। तो अभी जो है हमारे वो बनकर तैयार हो गया, देखो थोड़ा बहुत बाकी है वहाँ पर, ये बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो जो है इसके अंदर हम ऊपर से डाल देंगे, ये बन जाएगा गाइस। गाइस जो ये गिनी फाउल है ना, इनसे भाई साहब हमारे जो पड़ोसी है ना वो भी परेशान हो गए, इनकी आवाज़ सुनो आप। सुन लिया आपने भाई साहब, इतनी आवाज़ करते हैं, इतनी आवाज़ करते हैं कि पड़ोसी भी इनसे परेशान हो गए, बोले भाई क्या उठा हैं यार, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं यार, सही बोल रहे हैं। तो भाई बहुत आवाज़ कर रहे हैं गिनी फाउल, अंडे ये तो भाई साहब, तो यार हम क्या करें भाई, कर रहे हैं तो करने दो। तो फाइनली गाइस अभी दोपहर का 1 बजा है और हमारी जो गिनी फाउल है भाई उसने अंडा दे दिया यार। आप देखिए यहाँ पर हमारी जो गिनी फाउल है, आज इसने 3 दिन के बाद हमारा जो ये पिंजरा है इसके अंदर अंडा दे दिया। अभी गाइस मैं ये अंडा उठाने जा रहा हूँ और देखना है कितनी चिल्लाएगी, बहुत ही प्यार से उठा लेता हूँ एक बार जाकर, क्योंकि ये डरती बहुत है यार, पता नहीं क्यों डरती है। तो भाई देखो यहाँ पर ये गिनी फाउल ने ये अंडा दिया है बहुत, और आज ये 3 दिन के बाद अंडा दिया है हमारी गिनी फाउल ने, और भाई आज शुक्र है इतनी डर नहीं रही मुझसे। तो ये है अंडा गिनी फाउल का, सेम ऐसा जिस तरीके से कबूतर अंडा देते हैं ना, इतना बड़ा अंडा नहीं है, छोटा सा अंडा है। तो फिलहाल गाइस देखो भाई कैसे डर रही है, तो ये अंडा दिया है गिनी फाउल ने भाई, और हम 3 दिन से बोले थे भाई हमारी गिनी फाउल अंडा नहीं दे रही, अंडा नहीं दे रही, तो फाइनली गाइस ये जो अंडा है हमारी इन गिनी फाउल ने दे दिया है।
तो ये बहुत खुशी की बात है, हम इन अंडों के बच्चे निकलवाएंगे भाई। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के बस इतना ही, टाटा बाय बाय।